कर लेता हूँ भाई गाइस, देखो यार। ओ भाई 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 भाई, ओ ओ ओ हेलो फ्रेंड्स, हर बार की तरह आज फिर से संडे राइड के लिए हम तैयार हैं और आज हम जा रहे हैं संडे राइड पे और देख सकते हैं क्या साउंड कर रही है हमारी बाइक, जबरदस्त वाली। तो फिलहाल चलो चलते हैं, निकलते हैं एक राइड पे। अभी एक भैया हैं अपनी बाइक की वॉशिंग करा रहे हैं, वो हमारे को मिलेंगे आधे रास्ते में के पास ही पहुँचते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं संडे राइड पे इवनिंग ब्लॉग। वॉशिंग सेंटर में सोचा क्यों ना यार एक राइड के पहले एक वॉश अपनी बाइक पे वॉश करवा ली जाए, क्योंकि यार मैंने ना पिछले संडे कुछ वॉशिंग वगैरह कुछ नहीं करी थी, उसको कवर करके एकदम रख दिया था। तो अभी यार मैं एक वॉशिंग सेंटर आया हूँ और यहाँ पे सोचा क्यों ना यार वॉशिंग करवा ली जाए। बाइक हमारी रेडी हो चुकी है, एकदम ओके हो चुकी है इस टाइम, तो चलते हैं। तो यार ये भैया है हमारे, अभी आपका नाम क्या है? शुभम, शुभम शर्मा। और इन्होंने भी यार बाइक ली है KTM, देखो कितनी प्यारी लग रही है यार। और कुछ ये चेकआउट करो यार, संडे राइड करने वाले हैं तो सामने देखो पल्सर खड़ी हुई है, KTM है। चलो चलो चलो, सो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग, आई होप सब ठीक होगा। तो फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग में, एक नए वीडियो के साथ। तो आज की संडे राइड शुरू हो रही है हमारे कालका से। मैं जा रहा हूँ संडे राइड पे और हमारे साथ एक सिटी भाई है हमारा जो पल्सर लेके आया है और साथ में एक शुभम भी आए हुए हैं। उनकी KTM क्या ही प्यारी KTM लग रही है भाई, एकदम जबरदस्त KTM है भाई उनकी। तो भाई देखो यार हम चल रहे हैं और हमारी RV तो हमारे साथ ही है भाई, क्या ही कुछ कहने RV के। तो भाई भाई क्या सीन हो गया, हो गया। तो अभी पहुंच चुके हैं हम हाईवे पे और हाईवे पे हमारी राइड शुरू हो चुकी है। आगे हमारे साथ चल रही है पल्सर 180 और KTM ड्यू। हिमाचल प्रदेश में हम एंट्री करने वाले हैं। और यहाँ पर पूरे नीचे गिर गया यार, ये क्या सीन हो गया, तो भाई पूरा जाम लगा हुआ। ओ भाई साहब जाम देखो यार, कितना जाम लगा हुआ है भाई नीचे ना, पूरा साइड का यार पूरा रोड नीचे आ गया है। पता नहीं यार वापसी हमारी किस तरह की होगी यार, शायद हमारे को रॉन्ग साइड होकर निकलना पड़ेगा। ओ भाई साहब यार एक और क्रैश यार। भाई 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 आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, ज्यादा स्पीड से लीन मारी है यार इसने, आराम से हल्की शिट यार, उस साइड पलट के गिरा यार ये। भाई तभी मैं नॉर्मल कर लेता हूँ भाई गाइस, देखो यार नंबर प्लेट मुंह सब गया यार। लो भाई पहुंच चुके हैं हम इस टाइम अपने कोटी में और कोटी के बाद लगेगा हमारा सनबर्न, शायद हमारा सफर वहां तक का रहेगा, उसके बाद हम यू टर्न लेंगे। ये व्यू चेकआउट करो भाई, क्या मस्त हो रहा है। बट यार एक सीन हुआ है यहाँ पे ना,
यहाँ का भी रास्ता यार नीचे पूरा गिरा हुआ है और वन साइड रोड चल रहा है, जैसे नीचे गिर गया है और वैसे ही यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है। हुआ हुआ ओ भाई 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 कौन सा नशा करके आयो भाई हमने तो दुड़ाई नहीं भाई, और कुछ दुड़ाई हमने भैया दुड़ाई यार इतनी कहाँ दुड़ाई मैं तो पर वहाँ पे दो मोड़ आते है ना बड़े गंदे आते हैं यार, नहीं हुई मेरे को लगा भाई वो यू करके यू उधर को चली गई भाई गंदे वाला चिपकने के लिए क्या भाई बड़ी मस्त लग रहा है। ये हमारी पल्सर और दोनों वो खड़ी है हमारी R15 और वो खड़ी है KTM ड्यूक। आगे से मैं आपको दिखा देता हूँ क्या ही मस्त लग रहा है यार। हम निकल रहे हैं यहाँ से भाई, हमारी आर भी स्टार्ट हो चुकी है। ओ भाई साहब ये चेकआउट करो, ये है व्यू हमारे हिमाचल का और क्या ही मस्त लग रहा है भाई। तो सामने हमारी खड़ी है RV। ओ भाई 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 ये वाला तो यार कुछ ऑफ रोडिंग सा लग रहा है रास्ता मेरे को। प्लान वाले भैया वो क्या हो गया आगे गाड़ी नहीं बढ़ा रहे यार। तो भाई जगह मिल चुकी है, यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं और कुछ खाते हैं पेट पूजा। भाई पहले हम आए थे ना साला खंडर सा था, बहुत पुराना है। हाँ ये सबसे पहले का यही है, इन्होंने स्विमिंग पूल वगैरह नहीं बनाया, नहीं तो बहुत चलता ही सबसे आगे। पहले ये कुछ भी नहीं बना रखा था, बहुत बढ़िया व्यू आएगा यहाँ का। तो भाई देख रहे हो यार कितना मस्त लग रहा है, ये देखो बहुत टाइम के बाद आया भाई इस लोकेशन पे। ये चेकआउट करो सारा। और भाई साहब अभी हम आए थे राइड करते करते पहुंचे कुछ इस तरह के लोकेशन पे और इस जगह का नाम है जंगेश्वर। जंग कसौली से थोड़ा सा नीचे पड़ता है, कसौली आपको पता ही होगा। तो देख सकते हैं यहाँ का व्यू कुछ इस तरह का है, कितना ही प्यारा लग रहा है। और अभी हम यहाँ रुके हैं तो हमने यहाँ पर मैगी को वगैरह करवाई है, आपको पता ही होगा यार मैं कहीं भी जाता हूँ राइड पे तो सबसे पहले हम मैगी खाने के लिए करवाते हैं और मैगी सबसे फेवरेट है हमारी, तो हमने करवाया है। और मेरे साथ हैं शुभम भैया और आशीष। तो शुभम भैया अभी आगे हो गए हैं, आते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई पहले तो यहाँ का व्यू चेकआउट करो। हम घर से निकले थे, घर से निकलने के बाद हम धर्मपुर पहुँचे, धर्मपुर से हमने यू टर्न लिया, फिर हम कसौली की तरफ गए। कसौली से हम प्रॉपर कसौली नहीं गए, कसौली से हम जंगेश्वर के साथ। अब हमने वहाँ से राइड करते करते अपने परवानों की ओर जाना है। और ये आ गए हमारे शुभम भैया, आज संडे राइड इनके साथ थी, बाकी तो सारे गए हुए हैं। और भैया कैसे हो, आज फर्स्ट टाइम आए मेरे साथ तो देखते हैं नेक्स्ट संडे भी शायद भैया फिर आओगे नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट संडे आएंगे फिर हम, देखते हैं नेक्स्ट संडे फिर हमारा कहाँ का प्लान बनता है। और अभी तो चलो कुछ मंगवाया खाने के लिए, खाते हैं फिर निकलते हैं। लो भाई आ गई हमारी मैगी, वो हो गया अभी यही बात कर रहे थे हम। इसका आधा हिस्सा पता कहाँ है, वो नीचे पड़ा हुआ मेरे ख्याल।